हेलो ट्रेनर्स, हम उम्मीद करते हैं कि नए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम को समझने में आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को सिखाने के अलग अलग तरीकों को समझेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में समझ गए होंगे कि नए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम का उद्देश्य छात्रों को सही नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड सिखाने का है, ताकि वे 21वीं सदी में काम के लिए तैयार हो सकें। इसीलिए ITI ट्रेड की क्लासेस की तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासेस भी तभी प्रभावी होंगी जब उन्हें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के साथ सिखाया जाएगा। आइए समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को तीन तरीकों से कैसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के द्वारा सिखाया जा सकता है। ये हैं क्लासरूम सेशंस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। क्लासरूम सेशंस कई बार बोरिंग और पुस्तक पर आधारित होते हैं, और यहाँ पर छात्रों से ये अपेक्षा होती है कि वे पढ़ाई करें और एग्जाम पास करें। लेकिन क्या छात्र वाकई में ऐसे सीखते हैं? रिसर्च हमें ये बताती है कि हम जब भी कुछ सीखते हैं, वह हमारे साथ लंबे समय तक तभी रहता है जब हमारे सीखने के अनुभव में हमारा दिल, दिमाग और शरीर सब एक साथ शामिल हो सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक, जिसको हमने फैसिलिटेटर मैनुअल कहा है, इस तरीके से बनाया गया है कि वह गतिविधियों और खेल के माध्यम से सिखाने में आपकी मदद करेगी। उदाहरण के लिए इंटरव्यू स्किल्स विषय में रोल प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां कुछ छात्र एम्प्लॉयर की भूमिका निभाएंगे और कुछ छात्र कैंडिडेट की भूमिका निभाएंगे। फैसिलिटेटर मैनुअल के लेसन प्लान के चार मुख्य भाग हैं: विषय का उद्देश्य, विषय के बारे में समझ बनाना, विषय को किस तरीके से सिखाना है और मूल्यांकन। इस भाग में हम समझेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलग अलग विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से छात्रों को अपने जीवन में हर विषय की महत्वपूर्णता समझ आएगी। इस भाग में हम हर विषय से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इससे ट्रेनर को विषय समझने में आसानी होगी। इस भाग में क्लास लेने की स्टेप बाय स्टेप विधि, विषय से जुड़े अच्छे अभ्यास व शिक्षण के नुस्खे समझाए गए हैं। इस भाग में हर विषय से जुड़े कुछ सवाल हैं। सवालों के जवाब स्टूडेंट वर्कबुक में दिए गए हैं। क्लासरूम सेशंस में गतिविधियां, खेल, स्टूडेंट वर्कबुक का अभ्यास और डिजिटल लेसन्स शामिल हैं। स्टूडेंट वर्कबुक में प्रत्येक पाठ के लिए अभ्यास है, जो छात्र कक्षा में या अपने घर में भी कर सकते हैं। छात्र सभी विषयों पर डिजिटल लेसन देख सकते हैं और मॉक एग्जाम भी दे सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को सिखाने का दूसरा तरीका प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री विजिट्स है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटा गया है, जिसके द्वारा छात्र खुद से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए UPI पेमेंट को समझने के लिए छात्रों को दुकानदारों से बात करने के लिए कहा गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मार्केट स्कैन, गेस्ट लेक्चर्स और इंडस्ट्री विजिट छात्रों की मदद करता है कि वे जॉब मार्केट के बारे में एक वास्तविक समझ बना सकें, कि वहाँ काम कैसे होते हैं और उनसे किस तरह की अपेक्षाएँ रखी जाएंगी। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल पर नो द जॉब वीडियो भी हैं, जो उस काम को बेहतर समझने में मदद करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को पढ़ाने का तीसरा तरीका छात्रों को खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसको हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं। सेल्फ लर्निंग स्वयं से सीखने का तरीका है, जहाँ छात्र अलग अलग लर्निंग मटीरियल जैसे किताबें, ऑनलाइन लर्निंग, शिक्षक या अपने मित्र इन सब चीज़ों की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों को अगर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझना है, तो 90% जानकारी उन्हें दी जा सकती है और बाकी 10% वह खुद से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए वह किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या लोगों से भी बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की स्टूडेंट वर्कबुक में छात्रों के लिए बहुत सारी सेल्फ लर्निंग गतिविधियां हैं। ये अभ्यास उनको उनके जीवन और काम में बहुत फायदेमंद रहेगा।
अगर आप अपने छात्रों के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपके पास उनके जीवन पे सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। आप उनके जीवन में उनके सबसे महत्वपूर्ण रोल मॉडल बन सकते हैं। इसलिए एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनर के रूप में आपके पास 3 बहुत महत्वपूर्ण रोल हैं, एक प्लानर का यानी नियोजक, एक रिसोर्स पर्सन का और एक मार्गदर्शक का यानी गाइड। सेशन से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आप अपने छात्रों से कब और क्या कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेज्यूमे बिल्डिंग का सेशन करा रहे हैं तो आप छात्रों को पहले से वीडियो को देख कर आने के लिए बोल सकते हैं और जब वो कक्षा में आए तो आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं या उसके बारे में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करा सकते हैं। एक ट्रेनर के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आपके छात्रों के पास सीखने के सारे संसाधन हों। आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को पढ़ाने के लिए उपलब्ध अलग अलग संसाधनों पर एक नज़र डालते हैं। फैसिलिटेटर मैनुअल ट्रेनर्स के लिए, स्टूडेंट वर्कबुक छात्रों के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल दोनों छात्रों और ट्रेनर्स के लिए, गेस्ट लेक्चर्स छात्रों के लिए, इंडस्ट्री विजिट्स और प्लेसमेंट इवेंट्स छात्रों के लिए। अगर आपके छात्र किसी वजह से कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में आपके छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में आप सबसे ज़्यादा सहायक व्यक्ति होंगे। एक ITI में पहुंचने के बाद युवा काम की दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है जब वे काम की दुनिया में जाएं तो उनमें एक अच्छे एम्प्लॉई के गुण हों। एक अच्छे एम्प्लॉई के गुण हैं कि वे खुद से सीख सकते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी खामियों और ताकतों को पहचानते हैं। यह सब गुण आपके छात्रों में हो, ये एक ट्रेनर के बतौर आपकी जिम्मेदारी है और ये तभी हो सकता है जब आप किताब से आगे बढ़कर 21वीं सदी के काम के अनुभव उनके लिए उनकी कक्षा में बना सकते हैं। हम गर्व से आपका स्वागत करते हैं कि आप अपनी 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएं ताकि आपके छात्र सही संसाधन तक पहुंचे और आपकी कक्षा प्रेरणादायी बने। आइए हम सब वह ट्रेनर बने जो 21वीं सदी के भारत के लिए सबसे अच्छी प्रतिभा का निर्माण कर रहे हैं।